आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से खबर है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामला है। जोधपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई है। खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित और गुरुवार को कोर्ट सुनाएगी फैसला। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा है। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता MS सिंघवी ने यह पक्ष रखा है। BSTC अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता MS सिंघवी ने पक्ष रखा है, BSTC अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा है। तो ये जोधपुर से खबर है, बड़ी खबर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर, जहां रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर ये जो जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की आज जो सुनवाई है वो पूरी हुई है और इस फैसले को अब सुरक्षित रख लिया गया है। यानी कि अब ये फैसला जो है गुरुवार तक सुनाया जा सकता है, क्योंकि जो महाधिवक्ता है सिंह जी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, अभ्यर्थियों की ओर से भी पक्ष रखा गया था। अब गुरुवार को कोर्ट जो फैसला है वो सुनाएगी, लेकिन उससे पहले आज इस पर सुनवाई पूरी हुई है और अब इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। खंडपीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने पक्ष रखा, तो BSTC अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह और अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा है। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, क्या जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि रीट परीक्षा जो आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग 16 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, और रीट लेवल प्रथम में बीएड परीक्षाधारियों को प्रवेश हाईकोर्ट की अनुमति के बाद दिया गया था, लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं हो पाया था। इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका विचाराधीन थी। इस याचिका में पिछले 3 दिन से लगातार मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। लगातार सुनवाई के बाद आज सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से MS सिंघवी ने पक्ष रखा, वहीं भारत सरकार की ओर से ASG RD रस्तोगी ने पक्ष रखा, BSTC की अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान साहब उनकी टीम ने पक्ष रखा, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से GL पूनिया और उनकी टीम ने पक्ष रखा था। सभी अधिवक्ताओं ने बहस पूरी कर ली है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और कल सुबह हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। इस फैसले पर पूरे प्रदेश भर के युवाओं की नजर होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके रिजल्ट आने के बाद अगर बीएड अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाती है तो लगभग 1 लाख परीक्षार्थी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, और यही उनको अनुमति नहीं दी जाती है तो लगभग 10 लाख BSTC के अभ्यर्थी है, उनको राहत मिलेगी। देखना होगा कि अब किस तरह से हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, राहत किसे मिलेगी कल ये फैसला आने के बाद पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश पूरी जानकारी के लिए।